ये देखिए, बने हैं ना स्पॉन्जी एंड सुपर सॉफ्ट। इन गुलाब जामुन को बनने में ना ही तो हमने मावा डाला और ना ही खोया। और मजेदार बात तो ये है, ये बनने में बहुत ही आसान है। सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट से ये बनके तैयार हो जाते हैं और ये इतने स्वाद बने हैं कि सब लोग इनको खाते ही रह जाएंगे। हे फूडीज, वेलकम टू आशिमास किचन। त्योहारों का सीजन है और त्योहारों में हमें याद आता है मीठा। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आप सबका फेवरेट गुलाब जामुन। और ये रेसिपी हलवाइयों वाली कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं गुलाब जामुन की रेसिपी बहुत ही सिंपल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये गुलाब जामुन हम बनाएंगे ब्रेड से, जो बनने में बहुत कम टाइम लेते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और इस मिठाई में डलने वाले सभी इंग्रेडिएंट्स हमारे घर पे बहुत ही आसानी से अवेलेबल होते हैं। तो चलो बनाते हैं। और हाँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि इन त्योहारों के सीजन में मुझे आप लोगों से ढेर सारा प्यार मिलने वाला है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में घंटी भी बजा दीजिए। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए मैंने ली है 8 ब्रेड। ये नॉर्मल वाइट ब्रेड हैं, जो बहुत इजीली मार्केट में मिल जाती हैं। गुलाब जामुन वाइट ब्रेड से अच्छे बनते हैं। उसके बाद 1/4 कप मिल्क पाउडर और 1/4 कप दूध। उसके बाद 1 टीस्पून इलायची पाउडर। और ड्राई फ्रूट्स में ली है मैंने किशमिश और पिस्ता। ये भी गुलाब जामुन में बहुत अच्छे लगते हैं। और गुलाब जामुनों को तलने के लिए लिया है घी। और चाशनी के लिए 1.5 कप चीनी और 1.5 कप पानी। चीनी और पानी का प्रोपोर्शन बराबर लेना है और थोड़ी सी इलायची पाउडर। गुलाब जामुन के लिए सबसे पहले हम अपनी ब्रेड के कॉर्नर्स को कट करेंगे। मैं यहाँ पे कॉर्नर्स को नाइफ से कट कर रही हूँ। आप चाहें तो इन्हें सीजर से भी कट कर सकते हैं। ये कॉर्नर्स कट करने बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये कॉर्नर्स हार्ड होते हैं। इनके कट करने से हमारे गुलाब जामुन बहुत ही आसानी से सॉफ्ट बन जाएंगी। तो इस तरह से हम अपनी सभी ब्रेड्स के कॉर्नर्स को कट कर लेंगे। सभी ब्रेड के कॉर्नर्स हमारे कट हो गए हैं। लेट मी शो यू। ये देखिए कितनी सफाई से कट हो गए हैं हमारी ब्रेड। और रही बात इन ब्रेड कॉर्नर्स की, इनको फेंकना नहीं है। इनसे आप बना सकते हैं ब्रेड क्रम्स या फिर ब्रेड पोहा। क्यों है ना ये भी कितने यूजफुल। अब अपनी कॉर्नर्स कट की हुई ब्रेड को हम हाथ से तोड़ लेंगे और मिक्सी में डालकर बनाएंगे उसके ब्रेड क्रम्स। ये बहुत ही बढ़िया पिस गए हैं और बहुत ही कम टाइम में। ये तो बस ब्रेड क्रम्स हैं। अभी आप देखेंगे कि कैसे कम टाइम में गुलाब जामुन भी बनके तैयार हो जाएंगे। ये देखिए इनका टेक्सचर पास से। अब डालेंगे इसमें हम अपने बाकी इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले डालेंगे इलायची पाउडर। कुछ लोग इलायची गुलाब जामुन के अंदर डालते हैं, पर डो में इलायची डालने से उससे भी ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। उसके बाद डालेंगे 1/4 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर भी गुलाब जामुन में काफ़ी रिच फ्लेवर देता है। इन सबको हम हाथों से मिला लेंगे और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। पहले मैं 2 चम्मच दूध डाल रही हूँ और फिर इसका हम एक डो गूंदेंगे। हमने इसका डो सॉफ्ट गूंदना है, जैसे रोटी का आटा बनता है बिल्कुल वैसा। अगर आपकी ब्रेड सूखी सूखी लग रही है तो आप और दूध डाल सकते हैं। डो हमारा गूंद गया है, इसको हाथों से मैं 1 मिनट और मलूंगी अभी। अब मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए ब्रेड क्रम से बन गया है हमारा बिल्कुल बढ़िया डो। ये सॉफ्ट भी बना है और इसका टेक्सचर भी काफी अच्छा आया है। इसको हम 5 मिनट तक रेस्ट पे रख देंगे सेट होने के लिए। और 5 मिनट बाद बनाएंगे हम उससे अपने गुलाब जामुन की बॉल्स। उसके लिए हम इस डो के थोड़े से पोर्शन को हाथ में लेंगे और इसकी एक राउंड बॉल बना लेंगे। जब बॉल बन जाएगी तो हम इसकी एक कटोरी जैसी शेप बनाएंगे। ये देखिए कटोरी हमारी बन गई है। उसमें करेंगे हम अपने पिस्ता और किशमिश की फिलिंग। पिस्ता किशमिश डालने के बाद हम इसकी साइड्स को सील कर देंगे और फिर इसको एक बॉल की शेप में रोल कर देंगे। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारी बॉल में बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए। इनमें क्रैक्स होंगे तो ये तलते हुए फट जाएंगे। तो हम इनको दोबारा अच्छे से रोल करेंगे, जिससे कि ये सभी क्रैक्स चले जाएंगे। अब हमारे गुलाब जामुन में कोई भी क्रैक नहीं है,
ये बहुत ही स्मूथ बना है और इसी तरह से सभी गुलाब जामुन की बॉल्स बना लेंगे। आप सभी को कौन सी मिठाई सबसे अच्छी लगती है और गुलाब जामुन उनमें से है या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो 8 ब्रेड से बनके तैयार हुए हैं हमारे सितारा गुलाब जामुन। अब हम बनाते हैं अपने गुलाब जामुन की चाशनी। उसके लिए एक पतीले में लेंगे हम 1.5 कप चीनी और जितनी हम लेंगे चीनी उतना ही डालेंगे हम पानी। जी हाँ, यानी कि 1.5 कप ही पानी। उसके बाद हम चाशनी में डालेंगे साबुत इलायची। जब चाशनी हमारी पकेगी तो इलायची का फ्लेवर चाशनी में आ जाएगा। उसके बाद हम अपने शुगर सिरप के घोल को मिला लेंगे, नहीं तो चीनी नीचे चिपक जाएगी। उसके बाद हम बॉईल करेंगे अपने चाशनी को 8 से 10 मिनट। 8 से 10 मिनट बाद हम चेक करेंगे अपनी चाशनी। ये देखिए, हमारी चाशनी में बन रही है एक तार, मतलब हमारी चाशनी बनके तैयार है। अब हम करेंगे अपने गुलाब जामुनों को फ्राई। उसके लिए एक पैन में डालेंगे घी। आप चाहें तो इन्हें ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। जब हमारा घी गर्म हो जाएगा तो गुलाब जामुन डालने से पहले फ्लेम को लो कर देंगे और अपने सभी गुलाब जामुनों को हम फ्राई कर लेंगे। गुलाब जामुन को हमें लो मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, जिससे कि ये बहुत ही अच्छे भुन जाएंगे। कुछ देर बाद हम इन्हें स्पैचुला से बड़ी ही आराम से पलटेंगे। इनको हमें बहुत जेंटली हैंडल करना है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हैं अभी। क्यों आया है ना गुलाब जामुन का कलर बहुत ही सुनहरा और बिल्कुल बाजार वाले गुलाब जामुन जैसा। ये हमारे फ्राई हो चुके हैं। आपको ये कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अभी तो मुंह में पानी भी आएगा क्योंकि इनको अब हम डालेंगे अपनी चाशनी में। चाशनी को मैंने मीडियम फ्लेम पे गरम कर लिया है और इसमें डाल देंगे हम अपने गुलाब जामुन और इनको हम चाशनी में डुबोए रखेंगे 20 मिनट के लिए। ये देखिए, मैं आपको एक गुलाब जामुन को कट करके दिखाती हूँ। बने हैं ना ये सॉफ्ट एंड अंदर तक रसीले। तो इस त्योहार आप इस आसान रेसिपी को फॉलो करके बनाएं घर पे ही बाजार जैसे गुलाब जामुन, जो कि चलेंगे 5 से 6 दिन आराम से। बस इन्हें आप चाशनी में डबो के रखें और इनका मजा खुद भी लें और औरों को भी। गुलाब जामुन हमारे बनके तैयार हैं। चलो इनको टेस्ट करते हैं कि ये बने कैसे हैं। ये बने हैं बहुत ही स्वाद। ऐसा लग रहा है बस अभी अभी मिठाई की दुकान से आए हैं। लेकिन त्योहारों के सीजन में थोड़ी डिमांड की दिक्कत होने की वजह से एडल्ट्रेशन का मिठाइयों में इशू रहता है, तो लोग बाहर की मिठाई खाने से काफी कतराते हैं। तो आप इस सीजन इन गुलाब जामुनों को घर पे बना के जरूर खाएं और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट करके जरूर शेयर करें। साथ ही अगर आप मेरी और भी अपडेट्स पाना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट आशिमास किचन को भी फॉलो कर लें। और इस रेसिपी में यूज होने वाले सभी इंग्रेडिएंट्स को मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। मेरी इस तरीके की और भी मिठाइयों के इंटरेस्टिंग वीडियोस मेरे चैनल पे जल्दी आने वाली हैं, तो वेट किस चीज का, मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आपको और आपके परिवार को आशिमास किचन की तरफ से इन त्योहारों की ढेर ढेर शुभकामनाएं। तो त्योहारों को मजे से मनाएं, धूमधाम से मनाएं और देखते रहें आशिमास किचन। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड हैप्पी कुकिंग विद आशिमास किचन।